के साथ सीमा विवाद को लेकर चल रही तनातनी को लेकर भारतीय वायुसेना का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई राउंड की बातचीत के हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन आगे किसी नए संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वायुसेना का बयान बेहद मायने रखता है। वायुसेना ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में उसकी लड़ाकू फॉर्मेशन की तैनाती बनी हुई है। अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं तो एयरफोर्स किसी भी शॉर्ट नोटिस पर एक्शन शुरू करने के लिए तैयार है। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों में संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन पूरी तरह सैन्य तैनाती कम नहीं की गई। हालात से निपटने के लिए आर्मी और एयरफोर्स ने LAC पर पर्याप्त सैन्य बल तैनात है। भविष्य के किसी भी हालात से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है। अगर पाकिस्तान और चीन कोई हिमाकत करते हैं तो एयरफोर्स शॉर्ट नोटिस पर एक्शन शुरू कर देगी। एयर चीफ मार्शल शनिवार को हैदराबाद में डूंडीगुल के एयरफोर्स एकेडमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड को संबोधित कर रहे थे। एयर चीफ मार्शल ने अपने बयान में साफ जाहिर किया कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख में पाकिस्तान और चीन की ओर से पिछले साल अप्रैल के स्तर वाली सैन्य तैनाती बरकरार है। अगर दुश्मन की ओर से इसमें कोई इजाफा किया जाता है तो इंडियन मिलिट्री भी इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि वायुसेना इस बात से पूरी तरह अवगत है कि देश को केवल दुश्मनों के सामने से ही खतरा नहीं है, बल्कि दूसरे तरीकों से भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।